सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने मलून राजा सिंह के समाजी बाइकॉट की अपील करते हुए कहा कि राजा सिंह ने अखलाक की तमाम हदूद को पार कर लिया और समाज से मुकातया करना जरूरी है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि पुरमन तेलंगाना को फिरका वाराना तशद्दुद में झोंकने की साजिश के तहत बीजेपी क्यादत सरगर्म हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन मुल्क इत्तेहाद यकजहती को नुकसान पहुंचाने के दर पर है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली के बयान से समाज का सर शर्म से झुक गया है। राजा सिंह एक महजब शख्स और रुकन असेंबली की हैसियत से अपने विखार के बरखिलाफ घटिया बयानबाजी पर उतर आए। बयानबाजी का मकसद समाज को मजहब की बुनियाद पर तोड़ना है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हर शख्स को अपने मजहब के एहतराम का हक हासिल है और दूसरे को तनखीद का कोई इख्तियार नहीं है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि समाज को फिरका वाराना मुनाफिरत से बचाने और अमन वमान की बरकरारी के लिए जरूरी है कि राजा सिंह का बाइकॉट किया जाए। उन्होंने हुकूमत पर जोर नरम रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि केसीआर को अमन अमान की बरकरारी और सेक्युलरिज्म पर अपने अहद का सबूत देना चाहिए। उन्होंने कहा कि शरपसंद उनासिर और ताकतों को समाज में नफरत पैदा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।